सबसे पहले आता है इनवर्टिब्रेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जानने से पहले हमें जरूरी है कि हम ये जानें कि जूलॉजी क्या होता है। हम जिस जूलॉजी की बात करते हैं वो जूलॉजी क्या होता है। एक मिनट आप लोगों के का थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। बायोलॉजी पढ़ के आए हैं तो बायोलॉजी का मतलब आपको पता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो विज्ञान जिसमें कि हम जीवित के बारे में पढ़ते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। और लॉगी आपको पता है, लॉगी या लोगस जो कहते हैं दैट इज डिस्कोर्स स्टडी। तो बायोलॉजी एक थोड़ा सा और बड़ा ग्रुप है जिसको कि हम थोड़ा जब बड़े क्लासेस में जाते रहते हैं हम इसको और डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी में भी लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं दैट इज एनिमल्स, और बॉटनी में भी हम लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं दैट इज प्लांट्स। और ऐसे जब आप और एमएससी वगैरह में जाओगे तो आपका जो जूलॉजी है वो और अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाएगा, जैसे एंटोमोलॉजी, फिशरीज, और भी अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ढेर सारी ब्रांचेस जूलॉजी की हैं। जब आप बड़े बड़े इस पर आगे आगे क्लासेस में एमएससी जाएंगे, पीएचडी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एनिमल्स के भी हम अलग अलग तरह के एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उनके एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब की हमारी अलग अलग ब्रांचेस होती जाती हैं। बट आप अभी बायोलॉजी पढ़ के आए हो एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग टू जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी क्या है? जूलॉजी अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद एनिमल्स। जू का मतलब क्या होता है? जू में कौन रहते हैं? एनिमल्स। तो जू का मतलब होता है एनिमल। जू शब्द जहां पर भी आता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा जोइक ZOIC, जूअन ZOON, तो जू वर्ड जहां पर भी आता है दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स। मतलब वो जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड है। तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज जूलॉजी। जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद एनिमल्स, जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। वो विज्ञान क्या कहलाता है? वो विज्ञान जीव विज्ञान कहलाता है या प्राणी विज्ञान कहलाता है। और लॉगस इज अ स्टडी, इसको मतलब स्टडी या डिस्कोर। तो ऐसा विज्ञान जिसमें कि हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं वो कहलाता है जूलॉजी। एंड इससे पहले आता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी आप सबको पता है वो विज्ञान जिसमें कि हम जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। नाउ जब हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एनिमल किंगडम होता है, हम शुरू करते हैं किंगडम से। एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम में दो तरह के, जब हम डिवाइड करते हैं तो दो तरह के प्लांट, दो तरह के एनिमल्स होते हैं। अगर हम नॉर्मली भी देखें, हम साधारण सी भाषा में बात करें तो जिनका बैकबोन होता है, जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे कि हम एलिफेंट, टाइगर, फ्रॉग, मछली, और जिनका बैकबोन नहीं होता वो कहलाते हैं इन वर्टिब्रेट्स। इनका मतलब होता है एब्सेंट। वर्टिब्रेट इज रिलेटेड टू वर्टिब्रल कॉलम। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जिनमें नर्व कॉर्ड नहीं होती है वो कहलाते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती वो कहलाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। सो इनवर्टिब्रेट्स को हम बोलते हैं एन एनिमल लैकिंग अ बैकबोन सच एज आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एनिलिड्स, सीलेंट्रेट्स। और ये जो है ये 95% ऑफ द एनिमल स्पीसीज बनाते हैं। इनमें से एक ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी इनवर्टिब्रेट में आता है। तो इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? इन मीन्स एब्सेंट, वर्टिब्रा इज रिलेटेड टू नोटोकॉर्ड। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती हम उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो दो एनिमल्स एक बड़ा ग्रुप है, उन ग्रुप को हम दो में डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज द इनवर्टिब्रेट एंड द अदर इज नोन एज द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, और इस ईयर जो आपका कोर्स है दैट इज इनवर्टिब्रेट्स। ओके, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें की नर्व कॉर्ड नहीं होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ गिल स्लिट्स, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के। तो ये जिसमें नहीं होते दैट इज नोन, दे आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। नाउ वी कम टू द कैरेक्टर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट्स?
इनवर्टिब्रेट्स आर यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल, यूनि मीन्स वन, सेल मतलब सेल। तो क्योंकि इनके द्वारा सारी जितनी भी एक्टिविटीज है, रिप्रोडक्शन है, फीडिंग है, सर्कुलेट, जो भी इनमें सिस्टम होते हैं वो सब एक सिंगल सेल के माध्यम से परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज वाई हम इनको कहते हैं यूनिसेल्युलर और एसेल्युलर। और इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है, ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं। व्हाट इज एक्वाटिक मतलब दे आर फाउंड इन वाटर, पानी में रहते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग मतलब अपने आप से घूमते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। या पैरासिटिक होते हैं, मतलब पैरासाइट इज किसी पे परपोषी होते हैं, किसी अपने खाने के लिए या अपने रहने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। या कमेंसल्स होते हैं, कमेंसल क्या होते हैं, कमेंसल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अगर किसी एक के घर में रह रहा है, जैसे मकान मालिक और किराएदार, मकान मालिक के घर में किराएदार रहता, मकान मालिक उसको रहने के लिए घर देता, किराएदार इंटर किराया देता। तो ऐसे ही अगर किसी टू एनिमल्स का एसोसिएशन है जो एक उससे नरिशमेंट ले रहा है, एक उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, रहने के लिए दे रहा है, तो इस तरह का जब आपस में कमेंसलिज्म होता है, एक एसोसिएशन होता है, दैट इज नोन एज कमेंसलिज्म। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन के लिए तो सीलिया होता है, जैसे कि पैरामिशियम में फ्लेजिला होता है, युगलिना में, और सीरोपोडिया होता है अमीबा। तो ये सारी चीजें आपको अपने बुक में मिल जाएंगी। मैंने आपको समझाना है कि आपने किस तरह के कैरेक्टर्स कैसे कैसे लिखने, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी कम टू द फाइलम प्रोटोजोआ। हमारा जो इनवर्टिब्रेट्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू नाइन फाइलम। तो पहला फाइलम है, फाइलम इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या था, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, पुराना, सबसे पुराने एनिमल्स हैं ये प्रोटोजोआ। मैंने आपसे कहा कि जू, जोआ, जोन, जहां पर भी वर्ड आता है दैट मीन्स एन एनिमल। तो प्रोटोजोआ मीन्स प्रिमिटिव एनिमल्स, सबसे पहला फाइलम है, सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स है। माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, दैट इज वाई वी से माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। आप लोग एक मिनट वेट करिएगा, मैं एक फाइल लेके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ आपको कैसे काम करना है। ओके, जो फाइल में आपको कह रही थी वो इस तरह की फाइल आपने बनानी है। आपको एक फाइल दिखाई दे रही है, ये फाइल आपने बनानी है, इसमें इस तरह के पेजेस होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस साइड में आपने डायग्राम बनाना है और इस साइड में आपने कमेंट्स लिखना है, ठीक है। डायग्राम जो आपने बनाना है वो इस तरह बनाना है, ये डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको क्लियर, ये डायग्राम आपने इस तरह से बनाना है। यहां पे जो आपने ऊपर लिखा है, ये फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज, सिर्फ चार चीजें लिखनी है आपने। क्या क्या लिखना है, फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज। तो फाइलम अगर वो प्रोटोजोआ का है तो फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास उसका जो भी है, जीनस और स्पीसीज हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने आपको स्क्रीन में मेरे दिखाई दे रहा है अमीबा प्रोटियस मैंने लिखा हुआ है, तो अमीबा क्या है, अमीबा इज द जीनस, और प्रोटियस क्या है, प्रोटियस इज द स्पीसीज।
ना आप इसको लिखने का तरीका आप देख रहे हैं, अमीबा प्रोटीज जो मैंने लिखा हुआ है, आई हैव अंडरलाइन दीज टू वर्ड्स, अमीबा प्रोटीज, पहली वाली लाइन में अमीबा प्रोटीज लिखा हुआ है और उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये जो हम करते हैं, दिस इज बाय बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये हमको बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमको इसी तरह से लिखना। जैसे अमीबा का पहला लेटर ए है, पहला अक्षर का अमीबा का पहला शब्द कैसा है, ए, ए जो है वो कैपिटल है, और प्रोटीज का पहला अक्षर कैसा है, दैट इज पी, वो कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल। तो ये कोई मैंने अपने मन से नहीं लिखा हुआ है, ये एक प्रॉपर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसके हिसाब से अमीबा प्रोटीज या कोई भी जीनस का नाम है, मस्का डोमेस्टिका, आप हाउस फ्लाई का नाम ले लीजिए, होमो सेपियंस, होमो का एच कैपिटल होगा, सेपियंस का एस स्मॉल होगा। तो ये एज अ रूल होता है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, वो कहता है कि आप जीनस का पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे, और इन दोनों को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको इटैलिक्स में लिखा हुआ अमीबा प्रोटीज, दिस इज रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो इटैलिक्स में लिख के मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। तो मतलब क्या है, ये जो नियम है वो नियम कहता है कि या तो अमीबा प्रोटीज जो भी जीनस और स्पीसीज का नाम है वो मैं इटैलिक्स में लिखूं, और अगर मैं इटैलिक्स में नहीं लिख रही हूं, मैं उसको सिंपल इंग्लिश में लिख रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, तो मैंने उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन क्यों करना है, ये दिखाने के लिए कि इन शब्दों को हमने इटैलिक्स में लिखना था, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको सीधा सीधा लिख रहे हैं, तो हमने इनको इटैलिक्स में लिखना है, सॉरी इनको हमने अंडरलाइन करना है। मतलब अगर आप अमीबा प्रोटीज ऊपर की तरह लिखते हैं, उसको अंडरलाइन नहीं करते हैं, आपका अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो यू आर गोइंग टू गेट ओनली हाफ मार्क, आपको सिर्फ आधा ही नंबर मिलेगा। आप कहोगे मैंने तो अमीबा प्रोटीज सही लिखा था, मेरा नंबर कहाँ कटा, तो आपके मार्क्स कहाँ पे कटे हैं, आपने अमीबा प्रोटीज तो लिखा है, ए कैपिटल भी लिखा है, पी स्मॉल भी लिखा है, लेकिन आपने उसको अंडरलाइन नहीं किया। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से रख लीजिए कि आप किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम का मतलब क्या होता है, उसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम कौन सा नाम होता है, जैसे मक्खी है, मक्खी को हम क्या कहते हैं, मक्खी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं फ्लाई, हाउस फ्लाई, लेकिन ये हमारी जो हाउस फ्लाई है, अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं, यूरोप जाते हैं, चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं, तो इसका नाम कॉमन नेम बदल जाता है। तो अगर कहीं पे कोई रिसर्च हो रही है, कोई काम चल रहा है, और वो हमको लिखे कि हम अपनी भाषा में लिखे कि जिस भाषा में भी वो मक्खी को बोलते हैं, वो लिखे कि हमने इसके ऊपर ये काम किया है, तो हमें तो समझ में नहीं आएगा, हमें सारी भाषाओं का तो ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम दिए गए जिनको कि हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, और ये साइंटिफिक नेम ऐसे होते हैं कि हाउस फ्लाई को, घरेलू जो मक्खी है, उसको पूरी दुनिया में साइंस की भाषा में मस्का डोमेस्टिका ही कहते हैं। समझ में आ रहा है, पेंथीरिया टाइग्रस, पैंथर कहीं का भी होगा पूरी दुनिया में, वो पेंथीरिया टाइग्रस ही कहलाएगा। पावो क्रिस्टेटस, मोर पावो क्रिस्टेटस ही कहलाएगा। अमीबा, अमीबा प्रोटियस ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है, तो मतलब हम अपने जो कॉमन नेम्स है वो नहीं देते, एक साइंटिफिक नेम देते। साइंटिफिक नेम एक ऐसी ऐसा नाम है जो उस ऑर्गेनिज्म का पूरी दुनिया में उस नाम से वो जाना जाता है। तो उस साइंटिफिक लैंग्वेज के लिए, उस साइंटिफिक नेम के लिए हमारे पास नियम है जो कहते हैं कि जीनस होगा, स्पीसीज होगा, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा, अगर हम इनको इटैलिक्स में लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमने इनको अंडरलाइन करना है। तो ये आप एक नियम बना लीजिए, शायद आपको पता भी होगा, आप करते भी होंगे, ये बीएससी एमएससी सबके लिए, कि अगर आप कभी भी कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं, आइदर बी इट इन जूलॉजी और इट इन मे बी इट इन बॉटनी, आप बाय डिफॉल्ट आपको होना चाहिए कि मैंने नाम लिखा है तो मुझे ये अंडरलाइन करना है, तभी जाके ये शब्द जो है वो कम्प्लीट होते हैं, ये नाम जो है वो कम्प्लीट होता है। क्लियर, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हमने लिखना क्यों है, लिखना कैसे है। फाइल मैंने आपको दिखाई, फाइल के राइट हैंड साइड में ऊपर, मैं आपको फिर बता रही हूँ, फाइल के राइट हैंड साइड में ऊपर आपने चार चीजें लिखनी है, फाइलम, क्लास,
जीनस स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज में आपने ध्यान देना है, उसको आपने अंडरलाइन करना है, कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नाउ जो प्रोटोजोआ में मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोअंस कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटा इनका साइज होता है, इसलिए हम इनको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। दे कैन बी सीन बाय द दे कैन बहुत से ऐसे हैं जो कि हमें नेकेड आय से नहीं दिखते, मतलब चश्मा पहन के या खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, उनको देखने के लिए हमको लेंस की जरूरत होती है या माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो आप लोग नोट कर लो, प्रोटोजोआ में आपने क्या क्या बनाना है, आपने बनाना अमीबा और दूसरा आपने बनाना है युग्लिना। ठीक है, पहला आपने बनाना है अमीबा और दूसरा आपने बनाना है युग्लिना। ये देखिए आपको अमीबा दिखाई दे रहा है आपकी बुक में, ये अमीबा का पूरा डायग्राम है, इस तरह आपकी बुक में भी होगा। ये तो जो पीएस वर्मा की प्रैक्टिकल बुक है उसमें से मैंने अपने बनाया। ऊपर इन्होंने लिखा है फाइलम, सब फाइलम, क्लास, इतनी चीजें आपको नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ लिखना है फाइलम, क्लास, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज अगर पता है तो लिखिए, नहीं पता तो मत लिखिए। इसी तरह का आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसी तरह इसके मार्किंग करेंगे। ये इसके सीडोपोडिया हैं, ये न्यूक्लियस है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और अमीबा जो है बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए हम इसको एनिमल नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। और इसका साइज होता है 0.25 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर। इमेजिन कर लो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, और ये बराबर होता है उससे भी 0.25 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर। शेप जो है इरेगुलर होता है, कलरलेस होता है, और बॉडी प्लाज्मा लेमा से कवर्ड होती है। साइटोप्लाज्म इसमें जो होता है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में होता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है अभी डिप्लोब्लास्टिक है। एंड एक्टोप्लाज्म में एक परमानेंट पोस्टीरियर एंड होता है। और इसी तरह से आप ऊपर से क्लासिफिकेशन लिखेंगे साइड में, राइट हैंड साइड में, बीच में आप डायग्राम बनाएंगे, और दूसरे वाले पेज में आप इसके कमेंट्स लिखेंगे। एटलीस्ट 7-8 कमेंट्स आप इसके जरूर लिखेंगे। इसी तरह से युग्लिना है, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास मिस्टिकोफोरा, जीनस युग्लिना। युग्लिना की खासियत क्या है कि ये इसमें एक फ्लैजिला होता है। अमीबा किससे चलता है? अमीबा वॉक्स बाय हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। और युग्लिना किससे चलता है? युग्लिना में फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला। ये थोड़ा सा उससे बड़ा होता है अमीबा से, and this measures 50 to 100 microns in length. और दो end होते हैं, एक anterior blunt end होता है और एक posterior pointed end होता है। Body जो है covered by vesicle होती है, और इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है युग्लिना। ये देखिए इसका जो locomotory organ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, this is the locomotory organ, और ये इसमें endoplasm है, ectoplasm है। युग्लिना में दो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस, इसलिए हम न्यूक्लियर युग्लिना को कहते हैं दिस इज अ बाय न्यूक्लियट ऑर्गेनिज्म। जनरली जितने भी सेल होते हैं हर सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें कि दो न्यूक्लियस भी होते हैं। तो ये कैसा है, दिस इज अ बाय न्यूक्लियट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्यों कह रही हूँ बार बार, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, एकदम प्रिमिटिव एनिमल्स है, इसलिए दे आर नॉट कॉल्ड एनिमल्स, दे आर नोन एज ऑर्गेनिज्म। बाइन्यूक्लियट होते हैं, एक बड़ा होता है, दैट इज नोन एज द, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस जो छोटा होता है, और एक, सॉरी, युग्लिना में एक ही होता है, आई एम कंफ्यूजिंग इट विद पैरामीशियम। युग्लिना में एक ही होता है, इसमें एक पेलिकल होता है, पैरामाइलम बॉडीज होती है। युग्लिना की खासियत है कि युग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, एक ऐसा एनिमल जो कि अपना खाना खुद से बनाता है। युग्लिना की खासियत ये है कि युग्लिना अपना खाना खुद से बनाता है। तो युग्लिना कैसा है, बाकी सारे एनिमल्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो होलोट्रोइक होते हैं, अपना खाना खाने के लिए दूसरे को मारते हैं, दूसरों को खाते हैं, या तो एनिमल्स खाते हैं या तो प्लांट्स खाते हैं। लेकिन युग्लिना एक ऐसा एनिमल है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और युग्लिना अपना खाना खुद से बनाता है। तो
तो पूरे एनिमल किंगडम में एक दो चीजें, एक दो एनिमल्स ही ऐसे हैं जिसमें कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो आपने इसी तरह से डायग्राम बनाना है, फ्लैजिला बनाना है, इसी तरह से उनको लेबल करना है, एंड यू हैव टू राइट एटलीस्ट 7 to 8 कमेंट्स। मैं आपको बार बार फाइल दिखा रही हूँ, इस तरह की फाइल आपने लेनी है, ठीक है। इस वाले में ये छेद यहाँ पर है, आपने डायग्राम बनाना है, यहाँ पे डेट डालनी है। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई काम करते सबसे पहले हम डेट डालते हैं, तो ये डेट डालनी है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना, ये आपने ये बनाना है एनिमल, ये जो एनिमल जो भी आप बना रहे हो, और दूसरे पेज में, दूसरे साइड की पेज में आपने कमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो आपकी जो फाइल है वो लगभग कुछ ऐसी फाइल है, ये फाइल है आपकी, आपने इधर बनाना है और इधर लिखना है। और अगर आप एक में दो स्पेसिमेन बना रहे हैं तो आप एक स्पेसिमेन यहाँ बनाएंगे, एक स्पेसिमेन यहाँ बनाएंगे, लेकिन लिखने के लिए एक के बारे में इस पेज में लिखेंगे और दूसरे के बारे में पेज में यहाँ पे लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये प्रोटोजोआ था जिसमें कि हमने बनाना है यूग्लिना और अमीबा। नाउ नेक्स्ट फाइलम, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जैसा कि उसका नाम है, दे आर पोर बेरिंग एनिमल्स, इनमें पोर होता है, छिद्र होता है, इसलिए ये कहलाता है पोरीफेरा। एंड कॉमनली दे आर नोन एज स्पंजेस। क्या कहलाते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। कोई सिमेट्री नहीं होती इनमें, ए सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, बट खासियत क्या है कि नाउ दे आर मल्टी सेल्यूलर। प्रोटोजोआ में क्या हो रहा था, प्रोटोजोआ में सारे काम एक सिंगल सेल कर रहा था, उसको हम यूनिसेल्यूलर कह रहे हैं। अब यहाँ पे सेल्स जो है वो बढ़ गए, एक से ज्यादा हो गए, तो ये कैसा एनिमल हो गया, दिस हैज बिकम अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इनकी एक और खासियत है कि इनमें एक कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम क्या है कि इनके शरीर में, ये ज्यादातर समुद्र में रहते हैं, इनके शरीर में छेद होते हैं, उन छिद्रों के रास्ते पानी इनके शरीर में जाता है, और जैसे हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करता रहता है, ऑक्सीजन वगैरह जाता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है, उसी तरह उस जो पानी इनके पूरे शरीर में जाता रहता है, उसी पानी से इनको ऑक्सीजन मिलती है, इनके कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर आते हैं, तो इनमें सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज द कैनाल सिस्टम, ठीक है। अलग अलग तरह के इनके बॉडी के बीच में एक स्पेस होता है, दैट इज नोन एज द स्पॉन्जस सील। और फाइलम क्या है? फाइलम इज पोरीफेरा। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है? ये खाने के लिए किसी और जीवों पर डिपेंड करते हैं। यूग्लिना की तरह अपना खाना खुद से नहीं बनाते। यूग्लिना क्योंकि अपना खाना खुद से बनाता है इसलिए हम उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और ये बाकी जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते ये क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज होलोजोइक। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब दोनों मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, ठीक है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसमें आपने बनाना है यूप्लेक्टिला। फाइलम पोरीफेरा क्लास हेक्साएक्टिनलिडा जीनस यूप्लेक्टिला। देखिएगा यूप्लेक्टिला ई कैपिटल लिखा हुआ है और इटैलिक्स लिखा हुआ है, तो ये जो है ये बहुत थोड़ा बड़ा बड़ा एनिमल होता है, 15 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, और बहुत सुंदर होता है जापान में। दिस इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। स्पेसिमेन वगैरह भी जब रखे रहते हैं तो काफी बड़ा रहता है। दिस इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। तो ये आपने, दीज आर पोर बेरिंग एसिमेट्रिकल एनिमल्स, इनमें स्पिक्यूल्स होते हैं और स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ ट्राइज एंड सिक्स रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स। तो पोरीफेरा में आप नोट कर लीजिए, फाइलम लिख के आपने क्या क्या बनाना है। पोरीफेरा में आपने बनाना है यूप्लेक्टिला एंड स्काइफा। स्काइफा ऑल्सो नोन एज साइकन, इसको हम साइकन भी कहते हैं। फाइलम पोरीफेरा क्लास कैल्केरिया जीनस साइकन या स्काइफा। ये जो साइकन है आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे से इस तरह से, ये जो बेस है ये किसी पत्थर या चट्टान से चिपका हुआ रहता है, और एक में दो तीन एक साथ रहते हैं, तो इसलिए दिस इज अ कॉलोनियल स्पंज। क्या है? कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी मतलब एक से ज्यादा लोग जब साथ रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं, दैट इज अ कॉलोनी। तो ये एक से ज्यादा रहता है, दो तीन लोग एक साथ रहते हैं, तो ये दिस इज अ कॉलोनियल स्पंज। कॉलोनी में रहता है, दिस इज अ कॉलोनियल स्पंज। एंड साइज कितना है? 20 to 30 मिलीमीटर। पर खासियत क्या है कि हमेशा किसी सबस्ट्रेटम से, ये जो सबस्ट्रेटम है किसी सबस्ट्रेटम से ये जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे फ्री फ्लोटिंग नहीं होता है, ससाइल
ये जो है किसी से चिपका हुआ रहता है। कैनाल सिस्टम होता है इसमें, कैनाल सिस्टम जो है वो साइकिन टाइप होता है। तो ये आपको कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपने जो प्लेन पेज है उसमें डायग्राम, इसमें क्लासिफिकेशन लिखना है, ये पूरा डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, इसी तरह आपने अंडरलाइन करता है। ये जो है ये इसका माउथ नहीं है, जो ऑस्कुलम दिख रहा है ये इसका माउथ नहीं है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है, पानी एंटर होता है। ये जो आपको छोटे छोटे डर्मल ऑस्ट्रिया दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो आपको पोर्स दिख रहे हैं ये डर्मल ऑस्ट्रिया है, यहाँ से पानी अंदर जाता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ये ऑस्कुलम, ये जो ऑस्कुलम है ऑस्कुलम के रास्ते पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसमें, दैट इज नोन एज द कैनाल सिस्टम, पूरा कैनाल सिस्टम कहलाता है। तो पोरीफेरा में आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है यूप्लेटिला एंड साइकन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फाइला, आपने साइकन बनाना है, साइकन इज ऑल्सो नोन एज द कोलोनियल मरीन स्पंज, एंड यूप्लेटिला एज आई टोल्ड यू दिस इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फाइलम, नेक्स्ट इज सीलेंट्रेट्स, नेक्स्ट फाइलम इज सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा, इनको निडेरियंस भी कहते हैं, स्टिंगिंग एनिमल्स हैं, दे हैव, इनकी बॉडी के बीच में एक कैविटी होती है, दैट इज नोन एज अ सीलेंट्रॉन, ये भी एक्वाटिक होता है, आई टोल्ड यू एक्वाटिक मतलब एक्वाटिक इज मेड फ्रॉम एक्वा, एक्वा मीन्स वॉटर, तो पानी में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, पानी में रहने वाले जीव कहलाते हैं एक्वाटिक। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनी होती है, मेसोडर्म अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं इनमें जिनको कि नीडोब्लास्ट कहते हैं, जो पॉइजन सेक्रीट करते हैं अगर हमको काट देंगे, अभी कभी आप समुद्र में जाते हैं तो वहां पर बाय चांस किसी को, किसी ने कोई एनिमल को काट दिया है, किसी मैन वगैरह को काट दिया, तो इट हैज गॉट अ पॉइजन दैट इज नोन एज हिप्नोटॉक्सिन। सेंसरी ऑर्गन्स भी अभी बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते, लेकिन स्टैटोसिस्ट जो सेंसरी ऑर्गन्स है दे आर नोन एज स्टैटोसिस्ट। बॉडी वॉल इनर एंडोडर्म और या जिसको कि हम गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं, और बीच में एक मेसोग्लिया होती है, नीडोब्लास्ट होते हैं, दिस ऑल आई हैव टोल्ड यू, एंड दे इनमें जो सेल्स होते हैं अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, इसमें स्टिंगिंग सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम डिफ्यूज स्टेट में होता है। ये आप अपनी बुक में सारे जो भी कमेंट्स है आप वो लिख लीजिएगा, किस तरह से आपने क्या करना है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया आपको। टेंटिकल्स भी होते हैं इनमें, टेंटिकल्स फूड टेकिंग कैप्चरिंग प्रे पकड़ने के काम आते हैं, और जो आपको इसमें दो एनिमल्स बनाने हैं दैट इज फाइसेलिया नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, समुद्र में ये तैरता रहता है, समुद्र की सतह पर तैरता है और थोड़ी देर में आके फिर नीचे चला जाता है, जैसे पनडुब्बी काम चलती है वैसे ही ये चलता है, फाइसेलिया इसका नाम है। और दूसरा है मेड्रीपोरा, मेड्रीपोरा इज नोन एज द हॉर्न कोरल। तो दो सीलेंट्रेटा में आपने बनाने फाइसेलिया, ये देखिए किसी बच्चे ने बनाया हुआ है, मैंने आप इसको नोट कर लीजिए, इधर उन्होंने क्लासिफिकेशन, इधर जो है वो क्लासिफिकेशन लिखा है, डेट बाय डिफॉल्ट आपको हर पेज में डेट डालनी है, ये ना ये पूरा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, और ये फाइसेलिया फाइसेलिस लिखा हुआ है, पी कैपिटल है, ये पी स्मॉल है, और दोनों अंडरलाइन किया हुआ है, देन दिस इज अ करेक्ट डायग्राम, ये बनाता है करेक्ट डायग्राम। दिस इज फाइसेलिया, फाइलम सीलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, एंड जीनस फाइसेलिया। जिसमें आपको स्पीसीज नहीं मिल रहा उसमें स्पीसीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया दिस इज नोन एज पोर्टुगीज मेनोफोर, एक नेमेटोफोर होता है, इस तरह का एनिमल होता है, यहाँ से इसके हाथ इस तरह से निकलते हैं, इस तरह से फ्लोट करता रहता पानी में, और जो भी फूड आता है उसको कैप्चर करके ये माउथ होता है यहाँ पे मुंह में डाल देता है। तो जिस तरह हमारा अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला का जो एक लंबा सा उसमें रॉड लगा रहता है, उसी तरह से इसके टेंटिकल्स इसके हैंड्स निकले रहते हैं और वो खाना वहां पहुंचा दिया जाता है। दिस इज फाइसेलिया। Now the next phylum is Platyhelminthes. Platyhelminthes, as the name indicates, platy means flat. Platy का मतलब होता है flat. Helminths, helminths का मतलब होता है worms. So these are generally parasitic worms. Parasites मतलब टीनियस ओलियम फेशियोला, जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर रहते हैं, वहां पर रह के ये इनको रहने को भी मिलता है, खाने को भी मिलता है और हमारी बॉडी में डैमेज कॉज करता है। तो Platyhelminthes मैक्सिमम जो है वो पैरासाइट्स ही होते हैं,
ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, तो बॉडी बहुत ज्यादा डेवलप भी नहीं होती है बाहर से इनकी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी शुरू हो गया है, और सीलो भी इसमें नहीं होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है या एब्सेंट होता है, क्योंकि ये जितना भी खाना है वो हमसे ही, हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो ही ये खाते हैं, तो उसको आगे डाइजेस्ट करने की इनको जरूरत नहीं होती है। माउथ नहीं होता है, जनरल बॉडी सर्फेस से ही ये सारी चीजें जितना भी है वो करते हैं। टेप फॉर्म आप लोग जानते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनके पास प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं। ये कमेंट्स आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, या ये मैं जो प्रेजेंटेशन है ये मैं श्याम सर को फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आप सब लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। तो प्लेटिहेलमिन्थेसिस में हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है पहला है फैशियोला हेपाटिका, कॉमनली नोन एज द लिवर फ्लू, कॉमनली नोन एज द लिवर फ्लू। एंड द सेकेंड वन इज टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं, टेप फॉर्म, फीता क्रिमी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज टेप फॉर्म। तो ये दो चीजें आपने इसमें बनानी है। फैशियोला हेपाटिका, फैशियोला हेपाटिका इज फाउंड इन द लिवर, एंड टीनिया सोलियम पाया जाता है, टीनिया सोलियम और टेप फॉर्म कहलाता है। तो ये दोनों चीजें आपने बनानी है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फैशियोला देखिए कैसे, जब मेरा मेन मकसद आपको ये समझाना है कि आपने जीनस और स्पीसीज कैसे लिखना है। अगर आप आज ये बात समझ गए कि जीनस स्पीसीज आपने सही लिखना शुरू कर दिया, तो मैं मानूंगी कि मेरी क्लास जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो हम बी एस सी से लेकर एम एस सी तक बच्चों को ये समझाते ही रहते हैं कि जीनस और स्पीसीज कैसे लिखना है। कल को आप बड़े क्लासेस में जाओगे, लेक्चरर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, तो ये आप अगर आपको अभी से ये चीजें एकदम क्लियर नहीं है तो ये चीजें बाद में प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये चीजें बार बार बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आप इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाए। तो फैशियोला हेपाटिका आपने इस तरह से बनाना है, एंड देन एक और आपने बनाना है इसमें टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम है, अपनी बुक से आप बना लीजिएगा। ये इसका एक प्रोग्लॉटिड है, और हर एक प्रोग्लॉटिड में इसके सारे जो प्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, और जैसे जैसे ये मेच्योर होता जाता है प्रोग्लॉटिड्स, ये देखिए छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको प्रोग्लॉटिड, ये बड़े बड़े, ये इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स है, ये मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स है। और ईच प्रोग्लॉटिड हैज अ सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आप इमेजिन करो इतना बड़ा एनिमल है कितना ज्यादा एग लेइंग करता है। तो अगर किसी एनिमल में ये होता है तो वो एनिमल का सिस्टम जो है वो परेशान करने लगते हैं। और बॉडी डिवाइडेड होती है स्कॉलेक्स में, हेड में और स्ट्रॉबिला, तीन पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है, मैंने आपसे कहा कि पैरासाइट है, एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो कि पिग है। तो दो चीजें आपको बनानी है, फैशियोला एंड टीनिया सोलियम। नाउ नेक्स्ट इज फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। एस्केहेलमिन्थेस सिलिंड्रिकल होता है, आपने एस्केरिस सुना होगा, हमारी बॉडी में बहुत बार पाया जाता है। और अगर हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो मिट्टी में अगर उसके एग्स हैं तो हमारी बॉडी के खाने के साथ हमारे चले जाते हैं और बॉडी में अंदर जाके इंटेस्टाइन में डेवलप करते हैं। तो आजकल तो वैसे भी कोविड हो रहा है, हमको बार बार अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। हम जितनी बार भी किसी को टच कर रहे हैं, अगर आप किसी का पेंसिल ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो एज सून एज यू कम बैक आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। सैनिटाइज करने के बाद भी आपको आपके हाथ धोने हैं। तो ये जो हाथ धोने का फीचर है दैट इज वेरी हाइजीनिक, बहुत ज्यादा हाइजीनिक है। तो अगर हम खेतों में काम करें, मिट्टी में काम करें, तो भी हमको आके अपना हाथ अच्छी तरह से धो लेने, बिकॉज जब हम हाथ धोते हैं तो ही ये सारी चीजों से हम अवॉइड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। ये अनसेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक आप लोग समझ गए होंगे। दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स, एक्वाटिक होते हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड में रहने वाले, जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक जो लैंड में रहते हैं, दे आर टेरिस्ट्रियल। फ्री लिविंग मतलब अगर जो पैरासाइट नहीं है वो फ्री लिविंग है, और जो पैरासाइट है किसी और पर डिपेंड करता है खाने और रहने के लिए,
दैट इज पैरासिटिक. दे डोंट हैव द पावर ऑफ रीजनरेशन. जैसे साइकन है, पावर ऑफ रीजनरेशन, री का मतलब फिर से, जनरेशन मतलब पैदा करना. साइकन जैसे, साइकन हैज गॉट इमेंस पावर ऑफ रीजनरेशन. साइकन को अगर आप मिक्सी में पीस देते हैं, मिक्सी में पीस के उसको रख देंगे, तो हर एक पार्ट से एक नया साइकन डेवलप हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो कुछ एनिमल्स इन्वर्टिब्रेट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें की पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, लेकिन एस्केलमेंथिस में पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होती है. बॉडी के बाहर से एक थिक क्यूटिकल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन. ये कमेंट्स के लिए मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, बिकॉज कमेंट्स यू कैन गेट इन योर बुक्स ऑल्सो. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट विद माउथ एंड एनस. सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, क्योंकि जनरली बॉडी के अंदर ही रहते हैं, वहां पर इनको जरूरत नहीं पड़ती है. प्रोटोनेफ्रिड या एच शेप्ड होते हैं. सेंस ऑर्गन्स, ब्रिसल्स, आई स्पॉट्स, ये सब जो है कीमो एंड ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स होते हैं. आपको डायग्राम बनाना है. रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. डायमॉर्फिज्म, डाई का मतलब क्या होता है? दो. जहां पर भी डाई शब्द आता है इट मीन्स टू. डायमॉर्फिज्म मतलब इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं. व्हेन आई से सेक्सेस सेपरेट मीन्स मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. नहीं तो अभी तक जब हम देख रहे थे क्या था, मेल और फीमेल जो ऑर्गन थे वो दोनों एक ही में थे. तो इसमें क्या है, मेल एस्केरिस अलग होता है, फीमेल एस्केरिस अलग होता है. मेल जो है वो फीमेल से छोटा होता है, और मेल में पीनियल सिटी होती है. तो ये जो है एस्केलमेंथिस है. आप डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम है मेल और फीमेल का. माउथ है, एक्सक्रीटरी पोर है, गोनोपोर है, लैटरल लाइन है. ये क्लासिफिकेशन है फाइलम एस्केलमेंथिस, क्लास निमेटोडा. यू डोंट हैव टू राइट डाउन द ऑर्डर. जीनस इज एस्केरिस एंड स्पीसीज इज लिम्ब्रिकॉइड्स. तो ये जो है मेल एस्केरिस है एंड दिस इज द फीमेल एस्केरिस. तो आपको दिखाई दे रहा है कि फीमेल एस्केरिस कैसी है. फीमेल एस्केरिस बड़ी है, और मेल एस्केरिस में यहाँ पर एक पीनियल सीटी होता है जो कि फीमेल में नहीं होता. सो दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स. हम कैसे मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करेंगे. आपको एग्जाम में दिया जाता है कि कौन सा ये जो है कौन सा एस्केरिस है, आप कैसे पहचानेंगे, छोटा है और दूसरा क्या है, मेल में एक पीनियल सीटी है. और इसमें आपने क्या डायग्राम, आप में क्या बनाना है, आपने आपने इसमें जो बनाना है एस्केलमेंथिस में, आपने बनाना है एस्केरिस. एस्केरिस कॉमनली नोन एज द राउंड वर्म. नाउ नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा. अगला जो फाइलम है दैट इज फाइलम एनिलिडा. एनिलिड्स हैव अ सिलिंड्रिकल बॉडी, बायलैटरली सिमेट्रिकल. बायलैटरली सिमेट्रिकल, बाय मीन्स टू, लैटरली मीन्स लंबाई में. तो जब कोई दो चीजें बिल्कुल सेम होती है, एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, वो क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री. सो दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल वर्मीफॉर्म. दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी एंड द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रोसोमियम, ट्रंक एंड पाइजीडियम. दे पोजेस अ नर्वस सिस्टम विद अ नर्व कॉर्ड. मतलब आप धीरे धीरे अगर क्लासिफिकेशन देख रहे हो प्रोटोजोआ से, तो आप देख रहे हो कि ये धीरे धीरे डेवलपमेंट इवोल्यूशन जो है हमारा हो रहा है. पहले बहुत सिंपल एनिमल्स थे, अब धीरे धीरे इनमें सेंसरी ऑर्गन्स आने लग गया है. बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और ये जो आपने एनिमल्स बनाने हैं ये बिल्कुल फाइलम वाइज बनाने हैं. ये नहीं कि एनिलिडा पहले बना दिया, फिर आप मोलस्का बना रहे हो, फिर आप इकाइनोडर्मेटा बना रहे हो. आप जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में उसी तरह से आपने डायग्राम बनाने और फाइल में लगाने. एनिलिडा में आपने बनाना है नेरिस और फेरेटमा पोस्ट्यूमा. नेरिस कॉमनली नोन एज रैगवर्म और क्लैगवर्म. नेरिस क्या कहलाता है, नेरिस इज नोन एज रैगवर्म और क्लैगवर्म. एंड फेरेटमा पोस्ट्यूमा इज कॉमनली नोन एज द अर्थवर्म. जो केचुआ हमारे घरों में आजकल बारिश में दिख रहा है, दैट इज फेरेटमा पोस्ट्यूमा अर्थवर्म. तो ये नेरिस है, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये नेरिस है. फाइलम एनिलिडा, क्लास पॉलीचिटा एंड नेरिस. ये जो नेरिस है इसमें खासियत क्या है कि इसमें ये सीडोपोडिया होता है. पूरी बॉडी के हर सेगमेंट में सीडोपोडिया होता है. ये एसेक्सुअल फॉर्म है. इसका एक सेक्सुअल फॉर्म होता है जो कि कहलाता है हेट्रोनेरिस. ठीक है, तो हेट्रोनेरिस क्या है, हेट्रोनेरिस नेरिस का सेक्सुअल फॉर्म है. तो दिस इज
नेरिस और ये है अर्थवर्म. ये यू आर ऑल आर वेरी मच फेमिलियर टू दिस. आप सबको आप सब इसके बारे में जानते हैं, देखा भी होगा आपने केचुआ. ये वेरी बेनिफिशियल फॉर द सॉइल, सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. एनिलिडा, ओलिगोचिटा एंड न्यू ओलिगोचिटा. ठीक है, दे इज लाइक फेटेटमा एंड एनिलिडा फाइलम एनिलिडा ऑर्डर न्यू ओलिगोचिटा. ये हमने नहीं लिखना, हमने सिर्फ लिखना है फाइलम एनिलिडा क्लास ओलिगोचिटा जीनस फेटेटमा स्पीसीज पोस्टमा. P capital, P small and both are italic, written in italics. दोनों italics में लिखे गए. Commonly known as an earthworm, 150 millimeters in length. और hermaphrodite होता है, hermaphrodite आपको समझ में आ गया होगा. Hermaphrodite का मतलब जब दोनों sexes एक साथ होते हैं, male और female दोनों reproductive organs जब एक साथ होते हैं, they are known as hermaphrodites. Now the next phylum is phylum arthropoda. सबसे बड़ा phylum हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, ऑर्थोस मींस जॉइंटेड एंड पोडा इज लेग्स. तो वो सारे एनिमल्स जिनमें की लेग्स जॉइंटेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज आर्थ्रोपोड. दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर. दे आर फाउंड इन वॉटर, दे आर फाउंड इन लैंड, दे आर फाउंड इन एयर. एयर मतलब आप ड्रैगन फ्लाई देखते हो, डेमसल फ्लाई लेते हो, बटरफ्लाईज देखते हो, मॉथ देखते हो, ये सब के सब कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं. तो ये एक ऐसा फाइलम है जो कि कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, जो कि जिसके एनिमल्स आपको हर जगह पे दिखाई देंगे. बॉडी इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या है, दे हैव गॉट थ्री पेयर ऑफ लेग्स, टू पेयर ऑफ विंग्स. ठीक है, और किसी किसी में लेग्स जो है वो फोर पेयर्स भी हो सकते हैं, फाइव पेयर्स भी हो सकते हैं. बॉडी क्या है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है. मैंने आपको बताया जब दोनों साइड ए, सपोज हम बॉडी को मानते हैं कि दो पार्ट्स हैं ए और बी, और ए जो है बिल्कुल बी की तरह दिखता है, बी जो है बिल्कुल ए की तरह दिखता है, तो इसको हम कहते हैं दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जनरली, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. लेकिन अगर हम स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड और थोरेक्स. थोरेक्स और एब्डोमेन जो है वो फ्यूज होता है, बीच की गर्दन उसकी नहीं होती है. तो दैट वो कहलाता है सिफेलोथोरेक्स. हेड एंड थोरेक्स मिलके बनाता है सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन. कंपाउंड आइज होती है, एंटीना होते हैं. बहुत एडवांस इंसेक्ट्स हैं आप, जैसे एंट्स वगैरह को आपने देखा है, हनी बीज, ये सब के सब आर्थ्रोपोड्स हैं. सिल्क वॉर्म, हनी बीज, ये सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं. और एंट्स को आपको पता है कि सोशल कितने एक्टिव होते हैं, वो कितने ज्यादा मेहनती होते हैं, तो ये सारे के सारे एडवांस इंसेक्ट्स हैं, दे आर नोन एज आर्थ्रोपोड्स. सेक्सेस सेपरेट होती है, ये सब आप लिख लीजिएगा उसमें से. और इसमें से आपने बनाना है बेलोस्ट्रोमा. बेलोस्ट्रोमा इज कॉमनली नोन एज अ जायंट वाटर बग, बहुत बड़ा होता है साइज में. और दूसरा है एपिस इंडिका, हनी बी, मधुमक्खी जो है दैट इज एपिस इंडिका. तो ये दो डायग्राम्स आपने बनाने हैं. ये है, दिस इज बेलोस्ट्रोमा. ये बेलोस्ट्रोमा आपको दिखाई दे रहा है, पानी में पाया जाता है, जायंट वाटर बग, काफी बड़ा बग होता है. दिस इज नोन एज जायंट वाटर बग. और माउथ पार्ट कैसे होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. इंसेक्ट्स में अलग अलग तरह के माउथ पार्ट होते हैं, तो इसमें है पियर्सिंग एंड सकिंग. फोर पेयर ऑफ लेग्स होते हैं. बेलोस्ट्रोमा नोन एज जायंट वाटर बग. एंड द नेक्स्ट इज एपिस, एपिस इंडिका कॉमनली नोन एज द हनी बी. आप सब जानते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के पार्थेनोजेनेसिस भी होती है, और इसमें अलग अलग तरह के मिलते हैं आपको हनी बीज. वर्कर हनी बीज होती है, क्वीन होता है, ड्रोन होता है. दिस इज इट्स स्ट्रक्चर. आईज अ कंपाउंड, एंटेनी होते हैं, और ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है. फोर विंग है, हाइंड विंग है, एब्डोमेन है. दिस इज द फोर लेग, आगे वाले लेग्स दे आर नोन एज द फोर लेग्स, बीच वाले लेग्स मिडिल लेग्स, और पीछे वाले लेग्स हाइंड लेग्स.
एपिस क्या काम करती है, एपिस हनी बनाती है, वैक्स बनाती है, तो ये सारी चीजें। हनी भी जो है बहुत यूजफुल भी होती है हमारे साथ, लेकिन अगर आप उसको छेड़ोगे तो काटती भी है। हनी बी का जब हम कल्चर करते हैं दैट इज नोन एज एपी कल्चर। क्या कहलाता है? हनी बी कल्चर इज नोन एज एपी कल्चर। वैक्स क्लाइंट्स भी होती है हनी बी में। देन द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। मोलस्का एज द नेम इंडिकेट्स, मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। किंग एनिमल है एंड फाइलम इज मोलस्का। हैबिटेट इज एक्वाटिक एंड फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक। बॉडी इज सॉफ्ट विदाउट सेगमेंटेशन, देयर इज नो सेगमेंटेशन इन द बॉडी। इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आई होप नाउ यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलैटरल सिमेट्री एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल मास। द बॉडी इज कवर्ड बाय अ मेंटल एंड अ शेल। इनकी शरीर के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको कि मेंटल कहते हैं। जैसे कि आपने पाइला देखा होगा, पाइला, यूनियो, ये सब आते हैं मोलस्का में। सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन है, नर्वस सिस्टम है, सबके सब आप डेवलप हो गया। डाइशेस होते हैं। डाइशेस अगेन आई से कि जब भी मैं डाई बोलती हूँ, डाई का मतलब होता है दो। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होता है, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन। और एक लार्वा के द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है, दैट लार्वा इज नोन एज अ ट्रोकोफोर लार्वा। इसमें जो आपने एनिमल्स बनाने हैं, इसमें है काइटन, ये पहला है पाइला, पाइला ग्लोबोसा जो आपने देखा भी होगा, कॉमनली नोन एज द एप्पल स्नेल, क्योंकि इसका शेप जो है वो एप्पल की तरह से होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एप्पल स्नेल। और इसकी जो पूरी बॉडी होती है दैट इज इनक्लोज इनसाइड अ सेल। एक शेल के अंदर इसकी बॉडी बंद होती, जैसे घोंगा आपने देखा होगा ना, उसकी बॉडी एक के अंदर होती, तो वो पाइला, यूनियो, ये सब की बॉडी जो है एक शेल में कवर जाती है। दैट शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो दूसरा एनिमल आपने बनाना है दैट इज काइटन। ये जो काइटन में है, ये जो प्लेट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ प्लेट होती है। तो आपको जब डायग्राम बनाना है तो आपने इसमें आठ ही प्लेट बनानी है। ये 8 प्लेट्स का बना हुआ होता है। आंखें इसकी बहुत छोटी होती है, टेंटिकल्स वगैरह सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इलेप्टिकल बॉडी होती है, बायलैटरल सिमेट्री है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब जैसे पत्ती होती है, पत्तियां होती है, चिपटी होती है ना, तो वो भी इसी तरह, ये भी ऐसा गोल एनुलर ये सब चीज नहीं होता। दिस इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। व्हेन आई से डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड व्हाट डस दैट मीन, इट मींस कि ये जो ये पत्तियों की तरह होता है, जैसे ये माउस आपको दिख रहा है, ये माउस दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब कोई बहुत बड़ा उभरा ओवल ओवल सा शेप नहीं, दिस इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और प्लेट्स कितनी होती है? दीज आर 8 प्लेट्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ प्लेट्स होती है। तो इसी तरह से आपने इसको बनाना है। तो फाइलम मोलस्का में आपने क्या बनाना है? फाइलम मोलस्का में आपने बनाना है फर्स्ट इज काइटन एंड द अदर इज पाइला। पाइला इज कॉमनली नोन एज द एप्पल स्नेल। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट फाइलम। आवर लास्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। द लास्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस मीन स्पाइन, स्किन में इसके स्पाइन्स होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज नोन एज इकाइनोडर्मेटा। एक्सक्लूसिवली मरीन, ये सिर्फ खारे पानी में, समुद्र के पानी में मिलते हैं। दो तरह का पानी होता है, वन इज फ्रेश वाटर एंड द अदर इज मरीन वाटर। व्हेन आई से फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि नल का पानी जो हमारा ताजा पानी घर में आता है, दैट इज नॉट फ्रेश वाटर। ऑल द वाटर जो फ्री फ्लोइंग वाटर होता है, नदी का पानी, नहरों का पानी, झरनों का पानी, जो कि फ्री फ्लोइंग होता है, जो बहता हुआ पानी है, दैट इज फ्रेश वाटर, ठीक है। और मरीन वाटर क्या है? समुद्र का पानी, समुद्र में जो भी पानी है दैट इज नोन एज मरीन वाटर, खारा पानी, नमकीन पानी। सो इकाइनोडर्म्स आपको कहाँ मिलेंगे? इकाइनोडर्म्स यू विल गेट इन
मरीन वाटर आपको समुद्र के पानी में ही मिलेंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. एक्टोडर्म, एंडोडर्म और विश्व मेसोडर्म डेवलप हो चुका है. सीलोम प्रेजेंट है, बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है, फ्लैट है, स्टार लाइक है. इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है स्टारफिश, एस्टेरियस. ठीक है, माउथ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड एंड एनस प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड. सेक्सेस मोस्टली डायशस, रेयरली मोनोशस. डायशस मतलब सेक्सेस मेल और फीमेल अलग अलग होता है, मोनोशस मतलब दोनों एक ही में होते हैं. गैमेटिक फ्यूजन होता है, रीजेनरेशन होता है, दे हैव द पावर ऑफ रीजेनरेशन. अगर इनकी स्टारफिश के एक आम कट जाए किसी तरह से, पांच आम होती है ना, पांच आम में से एक आम अगर कट जाए तो थोड़े दिन के बाद उसमें फिर से नई आम एक ग्रो कर जाती है. दैट पावर ऑफ रीजेनरेशन वी ऑल्सो डोंट हैव. एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, ब्लड हैज नो पिगमेंट, हार्ट इज एब्सेंट. और इसमें जो दो एनिमल्स आपने बनाने हैं वो पहला है स्टारफिश और दूसरा है होलोथूरिया. स्टारफिश इज एस्टेरियस. सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्टारफिश. ये देखिए इसका एबोरल और ओरल दोनों व्यू आपको दिखाई दे रहा है. मेट्रिपोराइड ये सब आपको दिखाई दे रहा है और इसका क्लासिफिकेशन भी होगा हमारे पास. और ये दूसरा है, दिस इज होलोथूरिया, सॉरी दिस इज होलोथूरिया. फाइलम गाइनोडोमेटा, क्लास होलोथूरोइडिया एंड जीनस इज होलोथूरिया. पूरा होलोथूरिया है. दिस इज ब्लैक इन मेजर, ब्लैक इन कलर, मेजर्स 30 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड जब होता है. बायलैटरल सिमेट्री, माउथ एंटीरियरली प्लेस्ड. डेवलपमेंट होता है बाय ऑरिकेरिया लार्वा. और ये जो है दिस इज फाउंड इन शैलो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स. ये आप जो कमेंट्स है वो आप लिख लीजिएगा. सो दिस इज ऑल ओवर, आई एम ओवर विद माय स्लाइड्स. मैं आपको फिर बताना चाह रही हूँ कि आपने जो बनानी है वो फाइल बनानी है, और फाइल बनाने के बाद आपने कमेंट्स कैसे लिखने हैं और उनका क्लासिफिकेशन लिखना है. इसको आप ढंग से देख लीजिए. ये देखिए जिस भी फाइलम का आप जो भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आप यहाँ पे फाइलम लिखोगे, क्लास लिखोगे, जीनस लिखोगे, स्पीसीज लिखोगे, बस चार ही चीजें लिखने. हमने किंगडम, सुपर किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, सुपर फाइलम, ये सब कुछ भी नहीं लिखने क्योंकि अभी आप बीएससी में ही हो. जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो हम और ज्यादा ज्यादा ऐड करते रहेंगे. क्योंकि जब हम यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमने जो कुछ भी चीज यहाँ पे लिखी है वो सब हमको आनी चाहिए. एग्जामिनर आपको उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ पर हम उतना ही लिखे जितना कि हम याद कर सकते. ठीक है, आपने यहाँ पे डेट डालनी है. हर पेज में आपने जितने भी डायग्राम बनाने हैं हर पेज में डेट डालनी है. ये फाइलम आपने क्लासिफिकेशन लिखना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है. फिर आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रॉपरली वेल लेबल करना है. और यहाँ पे आपने उसका साइंटिफिक नेम लिखना है. यहाँ पे उसका कॉमन नेम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपने उसका साइंटिफिक नेम लिखना है. देन फॉर द लास्ट टाइम यहाँ पर आपने पी कैपिटल लिखना है, स्पीसीज का पी स्मॉल लिखना है और दोनों को आपने अंडरलाइन करना है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इनवर्टिब्रेट स्लाइड्स.